कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? नमस्कार, कैसे हैं आप सब? कंपटीशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। CGPSC 2023 को टारगेट में रखते हुए हमारा जो टॉप MCQ की जो श्रृंखला चल रही है उसमें छत्तीसगढ़ के जो हमारे पास आर्ट एंड कल्चर है, कला संस्कृति है, उसमें आज मेरा 10वां लेक्चर है। ठीक है, आज बता दूँ ये मेरा छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है उसका सबसे आखिरी लेक्चर भी है, जिसपे जितने भी महत्वपूर्ण MCQ है आज अपन करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है आपको दिखाई दे रहा होगा वो है छत्तीसगढ़ में मेला एवं महोत्सव। ठीक है, याद रखना ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। अभी तक बेटा मैंने जितने भी टॉपिक बताए हैं उसमें मैंने लगभग 20-20 के जितने भी महत्वपूर्ण MCQ है वो मैंने करवाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो मैं आज का जो हमारे पास टॉपिक है बेटा मेले एवं महोत्सव, इस पे जितने भी महत्वपूर्ण हमारे पास क्या है MCQ है वो आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक हमारे पास टॉपिक रहेगा मेला का, दूसरा हमारे पास टॉपिक रहेगा किसका, महोत्सव का। ठीक है ना, देखो अगर बात करते हैं मेला, ठीक है ना, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ राजी मेला, एक एग्जांपल के सहारे इस पूरे टॉपिक को समझने का आज प्रयास करते हैं। एग्जांपल मैंने लिया राजी मेला। ठीक है, तो इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में उस पर आज चर्चा करते हैं। ठीक है ना, बात करते हैं राजी मेला। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला बोलेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में राजिम मेले का आयोजन किस स्थान में किया जाता है, किस जिले में किया जाता है, गरियाबंद जिले में। ठीक है, आगे राजिम, एक एग्जांपल के सहारे बता रहा हूँ, एक एग्जांपल के सहारे इस पूरे टॉपिक आज करने वाले हैं। राजिम मेले का आयोजन कब होता है, कब से कब तक होता है, बराबर। तो ध्यान रखना, हमारे पास राजिम मेला है इसका जो आयोजन है याद रखना बेटा ये माघ महीने के पूर्णिमा को शुरू होता है से लेकर के ये फागुन महीने के कब तक, तो याद रखना 13 तक, अर्थात इसको अपन क्या कहते हैं, महाशिवरात्रि। ठीक है, तो ध्यान दे हमारे पास महाशिवरात्रि है, ये कब अगर देखा जाए तो ध्यान दे हम माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक अपन क्या करते हैं, ये जो राजीव मेला उसको अपन कहते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं, ये संपन्न होता है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, मैडम लगभग 14 दिन तक चलता है। ठीक है, फागुन महीने में कृष्ण पक्ष के 13वें दिन तक। ठीक है, इसको याद रखना, ये राजीव मेला है। ठीक है, आगे ध्यान रखकर देखा जाए राजीव मेला के बारे में विशेष का आप क्या जानते हैं, तो ध्यान रखना राजीव मेला अगर देखा जाए इसको अपन तत्कालीन सरकार ने क्या किया, कांग्रेस सरकार ने पुन्नी मेला का नाम दिया है इसको। छत्तीसगढ़ राज्य में अर्धकुंभ मेला भी कहते हैं, इसको याद रखना पुन्नी मेला के नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग अर्धकुंभ मेला के नाम से जानते हैं, याद रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा ये जो हमारे पास राजीव मेला है वो छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में ऑर्गेनाइज होता है, हर साल ऑर्गेनाइज होता है, आयोजित होता है, राजकीय संरक्षण। ठीक है यहाँ तक, तो बेटा जब भी अगर बात करेंगे मेला का तो मेला में स्थान इंपॉर्टेंट है, समय इंपॉर्टेंट है, अगर उस मेला का कुछ महत्वपूर्ण कुछ नाम है वो देख लेना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्थान और समय तो आपको याद रखना है कब होता है करके। कभी कभी क्या होता है इसी मेला में विभिन्न प्रकार के प्रथा का प्रचलन होता है, विभिन्न प्रकार के परंपरा का प्रश्न वो एकदम कम है, मतलब 1% संभावना होता है ऐसा प्रश्न बनने का। जैसे अगर बोलूंगा कि फिर दल्हा पहाड़ मेला कहाँ होता है, जांजगीर चांपा में, कब होता है, नागपंचमी के दिन, ये तो पता है, लेकिन उसमें एक विशेष परंपरा है क्या कि उस पर्टिकुलर मेले के दौरान, ठीक है, महोत्सव के दौरान पहाड़ में चढ़ने की परंपरा है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये आपको याद रखना विशेष रूप से। तो स्थान हो गया, समय हो गया, नाम हो गया, और कभी कभी अगर कुछ यूनिक प्रथा है उसको अपन क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा ये मेला है। महोत्सव का जब समय आएगा मैं महोत्सव के बारे में आपको डील कराता हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक चलो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो ध्यान रखना बेटा सबसे पहले रीड करो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अच्छे से देखो,
पहला देखो, कभी कभी ऐसे प्रश्न ना बेटा सीधा अपने आप बन जाते हैं। देखे नवरात्रि के दौरान, नवरात्रि मतलब नवरात्रि कितनी बार होगा, दो बार होगा, एक कुंवार नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। तो नवरात्रि के दौरान महासमुंद जिले में मनाया जाने वाला मेला कौन सा है? ठीक है यहां तक? तो मैंने बोला एरिया दिया है, इस एरिया में मेला लगता है, मतलब महासमुंद के किस एरिया में नवरात्रि, नवरात्रि के समय मेला लगता है। तो बेटा माँ बम्लेश्वरी कहां पर है? डोंगरगढ़ में। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि बात हो रही है महासमुंद की। राजीव मेला बेटा ये तो गरियाबंद में है, तो ये तो ऑब्वियस बात है महासमुंद में है ही नहीं, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। शिवरी नारायण कहां पर है? जांजगीर चांपा में है, ठीक है ना। तो क्या बचा? खल्लारी। समझ में आया? तो ध्यान देना, अगर देखा जाए प्रश्न नंबर एक जो हमारे पास है, नवरात्रि के दौरान महासमुंद जिले में कौन सा मेला लगता है, तो क्या बताओगे बेटा? खल्लारी मेला। ठीक है, समझ में आया? याद रहेगा खल्लारी। खल्लारी की अगर बात करोगे, आपने पढ़ा भी होगा इतिहास पे, जो हमारे पास कलचुरी वंश की दूसरी शाखा है 14वीं शताब्दी में जो स्थापित हुआ था केशवदत्त के नेतृत्व में, उसने कलचुरी वंश की दूसरी शाखा का जो कैपिटल है वो खल्लारी में स्थापित करवाया था, या फिर किया था किसने? केशवदेव ने, या उसके बाद रायपुर में स्थापित होता है कैपिटल। क्लियर है? तो ये खल्लारी से। उसके बाद खल्लारी पे आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, हमारे पास एक मंदिर, उस मंदिर का नाम है विष्णु मंदिर, जिसको किसने बनाया था? देवपाल मोची ने बनवाया था। ठीक है, यहां तक इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास टॉपिक है, प्रश्न नंबर दो है, अभी आ भी गया। राजिम, देखो मैंने बोला इसको क्या बोलते हैं, अर्धकुंभ मेला कहते हैं। तो राजिम कुंभ मेला हिंदू तिथि से प्रारंभ होता है, किस हिंदू तिथि से प्रारंभ होता है, मतलब हिंदू कैलेंडर के आधार पर होगा। अभी मैंने बताया अभी तक एग्जाम्पल के सहारे, तो ध्यान मेरा बेटा ये कब शुरू होता है? तो मैंने बताया था कि जो हमारे पास राजिम मेला है वो माघ पूर्णिमा, माघ महीने के पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और लगातार 14 दिन तक चलता है। कब तक चलेगा? तो याद रखना महाशिवरात्रि तक चलेगा। कब तक चलेगा? महाशिवरात्रि तक चलता है। क्लियर हुआ यहां तक? तो याद रखिएगा, ये हमारे पास राजिम मेला है जो माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक ऑर्गेनाइज किया होता है, याद रहेगा, आयोजित होता है। ठीक है बेटा, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरे का उत्तर क्या होगा बेटा? तो क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर ए जो है वो राजिम मेला का एग्जैक्ट क्या उत्तर होगा, कब ऑर्गेनाइज होता है? माघ पूर्णिमा। ठीक है, यहां तक? जो माघ का महीना है, याद रखना हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार 11वां महीना होता है। हिंदू कैलेंडर जो है शुरुआत होता है चैत्र। ठीक है, इससे पहले भी वीडियो में उसको बताया था, जब मैं पर्व बता रहा था उसको प्लीज देखिएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, अगर ये आपको क्लास पसंद आ रहा हो, समझ में, तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। पहले अच्छे से रीड करो, छत्तीसगढ़ के कबीरपंथी, कबीरपंथी याद रहेगा, चूड़ामणि नाम साहब को याद कर लो बेटा, कबीरपंथी के संस्थापक छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के कबीरपंथी प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को निम्नलिखित स्थानों पर मेला का आयोजन करते हैं। यहाँ पे कबीरपंथियों का मेला है, और याद रखना कब? माघ पूर्णिमा के दिन इनका मेला कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देख लो अच्छे से। तो पहला कुदरमल में, गिरौदपुरी में, दामाखेड़ा में, खरौद में। तो बेटा कबीरपंथियों का मेला वही ऑर्गेनाइज होगा, वही आयोजित होगा जहां पर कबीरपंथ से संबंधित गद्दी है, आसन है। ठीक है यहां तक? तो बेटा कुदुरमल, कुदुरमल पे तो है, पढ़ा होगा आपने। गिरौदपुरी में तो सतनाम पंथ का है, दामाखेड़ा, दामाखेड़ा में भी है, याद रहेगा, खरौद में नहीं है। ठीक है यहां तक? इसलिए अगर ऑप्शन नंबर देख लो, यहां पे आ और सा सही दिख रहा है, यहां पे देख लो कहीं पे ऑप्शन में और सा है क्या? बिल्कुल है, ध्यान देना, ये आपको मिलेगा सी मिलेगा। क्लियर है यहां तक? तो ध्यान देना, कबीरपंथी जो लोग हैं इन लोग माघ पूर्णिमा के दिन दामाखेड़ा में, ठीक है, दामाखेड़ा के साथ साथ कुदुरमल में क्या करते हैं? मेला का आयोजन करते हैं। और किस दिन करते हैं? तो माघ पूर्णिमा के दिन करते हैं। मैंने बताया था या तो स्थान पूछेगा या तो समय पूछेगा। ठीक है यहां तक? इसको प्लीज देखिएगा बेटा, क्लियर है? तो ये था प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कि कबीरपंथी लोग माघ पूर्णिमा के दिन मेला ऑर्गेनाइज कहां कहां करते हैं। तो आपने बताया दामाखेड़ा में, और दामाखेड़ा के साथ साथ कहां पे बेटा? क्या बताओगे? कुदरमल, उन स्थानों पर होगा जहां पर कबीरपंथ का आसन है, गद्दी है। ठीक है ना? और याद रखना छत्तीसगढ़ में कबीरपंथ के संस्थापक या फिर उनके प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा चूड़ामणि नाम साहब। ये प्रश्न सीजीपीएससी 2018 के आसपास आया, आ भी गया है। ठीक है, प्रीलिम्स में। आगे बढ़ते हैं,
प्रश्न नंबर चार लेते हैं। छत्तीसगढ़ में किस तिथि को इस राज्य में गिरौदपुरी मेले का आयोजन किया जाता है? ठीक है, देखो गिरौदपुरी, उदाहरण गिरौदपुरी अगर बात करोगे बेटा तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में ना सतनाम पंथ से संबंधित है। सतनाम पंथ के प्रवर्तक परम पूज्य गुरु घासीदास जी, याद रहेगा जो सतनाम पंथ है इनके प्रवर्तक परम पूज्य श्री गुरु घासीदास जी हैं। ये इन्होंने सतनाम पंथ का जो स्थापना है वो गिरौदपुरी क्षेत्र में किया था। और आपको पता भी होगा इनके प्रतीक जैत खाम है, और पूरे अगर देखा जाए विश्व का सबसे ऊंचा जो जैत खाम कहां पर है, गिरौदपुरी में स्थापित किया गया है। क्लियर है यहां तक? अब पूछा गया है कि भाई गिरौदपुरी में जो मेला अपन आयोजित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो किस दिन करते हैं? आपको लोकेशन दिया गया है, तो पूछा है बेटा गिरौदपुरी में जो अपन मेला ऑर्गेनाइज करते हैं वो किस दिन करते हैं? क्लियर है, बताओ तो। ज्यादातर सुना होगा बेटा फरवरी महीने में जो चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो जाते हैं गिरौदपुरी और क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? जैत खाम पे अगर अपन झंडा फहराते हैं उसको अपन कहते हैं पालो चढ़ाना। क्या बोलते हैं बेटा? पालो चढ़ाना, याद रखना। तो ध्यान रहा वो कब? ज्यादातर फरवरी के महीने में जाते हैं, याद रहेगा फरवरी के महीने में जाते हैं चीफ मिनिस्टर साहब। तो ध्यान रहा वो अगर देखा जब महीना क्या होगा तो फागुन पंचमी के दिन, कब होता है? फागुन पंचमी के दिन होता है। समझ में आया यहां तक? तो देख लो, याद रखना जो गिरौदपुरी है, गिरौदपुरी मेले का आयोजन कब होता है? फागुन महीने में पंचमी के दिन होता है, याद रहेगा। उसके अलावा अगर देखा जाए जो गिरौदपुरी मेला है, मतलब गिरौदपुरी जो क्षेत्र किस धर्म से संबंधित है? सतनाम, ठीक है, सतनाम पंथ से संबंधित है। उसकी स्थापना किसने किया है? गुरु घासीदास जी ने। क्लियर है, गुरु घासीदास जी का जन्म है 1818 दिसंबर को कहाँ पे हुआ था? गिरौदपुरी में हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? गिरौदपुरी को हो गया, भंडारपुरी हो गया, तेलासी बाड़ा हो गया, ठीक है ये इतना क्लियर है। ये सब सतनाम पंथ के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। गिरौदपुरी, भंडारपुरी, तेलासी बाड़ा, ठीक है, ये सब छाता पहाड़, ये सब छत्तीसगढ़ राज्य में सतनाम धर्म के प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है, प्रमुख स्थल है जो जिसको जिसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार के बाद ना अगला अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की ओर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच क्या है उसको एक बार अच्छे से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। रीड करो मेरे साथ अच्छे से। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है? अब देखो भाई, साल में दो बार मेला होता है, मैक्सिमम क्या होता है सुन लेना, मेले का आयोजन ना ग्रामीण क्षेत्र में साल में एक बार होता है, इतना क्लियर है। लेकिन प्रश्न यहां पे पूछा है कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर साल में दो बार मेले का आयोजन होता है, ऑर्गेनाइज होता है मेला। क्लियर है यहां तक? तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहला इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना, हमारे पास नवरात्रि का, नवरात्रि कितनी बार होती है? दो बार। एक बार नवरात्रि कब होता है? कुमार नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि किसी को कहते हैं। एक बार नवरात्रि कब होता है? चैत्र। तो ध्यान है नवरात्रि के समय मेला, मतलब जहां पर माता का मंदिर होगा वहां पे मेला ऑर्गेनाइज होगा, समझ में आया। तो नवरात्रि दो बार है तो उस क्षेत्र में मेला भी दो बार लगेगा। ये देखो खल्लारी मेला है, राजिम कुंभ मेला है, दंतेश्वरी माता का मेला है, या बम्बलेश्वरी माता का मेला है, ठीक है यहां तक? तो देखिए अच्छे से और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो माता का मंदिर है बम्बलेश्वरी, क्लियर है यहां तक? देखो दंतेश्वरी मतलब याद रखना बेटा, वहां मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे मेला जो है इसका उत्तर, एग्जैक्ट उत्तर मिलेगा बम्बलेश्वरी मेला, ठीक है, या फिर इसी को अपन कहते हैं डोंगरगढ़ का मेला, ठीक है। तो ध्यान में जो प्रश्न नंबर पांच है इसका एग्जैक्ट उत्तर अगर देखा जाए तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो डोंगरगढ़ अर्थात जो हमारे पास बम्बलेश्वरी मेला है ये वर्ष में दो बार ऑर्गेनाइज होता है, आयोजित होता है। अच्छा मेले के बारे में बता दूं, ध्यान देना छत्तीसगढ़ राज्य में मेले का आयोजन सर्वाधिक बार किस महीने होता है, सर्वाधिक रूप से सर्वाधिक क्षेत्र पे? तो ध्यान देना मैक्सिमम जो मेले का आयोजन है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने को छत्तीसगढ़ राज्य में मेला का महीना कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो मेला है वो कब होता है? माघ महीने में। क्लियर है यहां तक? इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है बेटा? ये था क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर छह। देखो ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर छह क्या है अच्छे से एक बार रीड कीजिए और बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ठीक है यहां तक? देखो, बड़े भजन का राम नामी मेला, याद रखना जो जांजगीर चांपा सारंगढ़ एरिया है यहां पर ये मेला बहुत ज्यादा फेमस है, समझ में आया? तो ध्यान रखना जो बड़े भजन का राम मेला, याद रखना बेटा ये सीजीपीएससी को प्रीलिम्स में आ चुका है, बड़े भजन का राम मेला कब होता है? तो ध्यान देना जो बड़े भजन का जो हमारे पास राम नामी मेला है अगर देखा जाए कब होता है, तो ध्यान देना ये
फागुन में होता है क्या? नहीं बेटा, फागुन में मैंने बोला था अभी गिरौदपुरी मेला, भादो में यहाँ पे त्योहार ज्यादा होते हैं, भादो महीने में मेला नहीं होगा। माघ में होता है लेकिन बड़े भजन का रामनवमी मेला माघ के महीने में नहीं होता है, इसलिए क्या बचता है? पौष। पौष का जो महीना है याद रहेगा, उस महीने पे ही बड़े भजन का रामनवमी मेला आयोजित किया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, याद रखना। क्लियर है यहां तक? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर कि बड़े भजन का रामनवमी मेला का आयोजन किस महीने होता है। मैंने पहले ही बता दिया है, मेला पढ़ोगे स्थान को याद रखना, समय को याद रखना, बहुत कम चांस रहता है परंपरा को पूछे वो। क्लियर है यहां तक? अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ठीक है, उसमें अभी तक हमने वही उतना ही क्वेश्चन देखा है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? ठीक है यहां तक? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? देखो भाई पढ़ते हैं, गिरौदपुरी मेला फागुन पंचमी में होता है, सही की गलत है ये मैच कर रहा है, जो मैच नहीं कर रहा है उसको अपने हमें देखना है भाई, याद रहेगा नंबर फर्स्ट, इतना क्लियर है इसको प्लीज याद रखिएगा ठीक है। आगे देखो महादेव घाट मेला, महादेव घाट कहां पर है? रायपुर में। महादेव घाट अगर देखा जाए रायपुर में खारू नदी किनारे बसा हुआ है, यहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? हटकेश्वर महादेव मंदिर, जिसको किसने बनाया था? ध्यान रहे बेटा, रायपुर के कलचुरी वंश के राजा, किसने बनाया था? ब्रह्मदेव राय ने बनवाया था। किसको? हटकेश्वर महादेव मंदिर को। इतना क्लियर है? और यहाँ पे जो मेला है हर वर्ष कार्तिक महीने में होता है, कार्तिक महीने के पूर्णिमा पे ही होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है ठीक है ना, इसको याद रखना। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है, हमें जो मैच नहीं कर रहा है उसको तलाशना है ठीक है। तीसरा शिवरी नारायण मेला, शिवरी नारायण पे महानदी के अंतर्गत दूसरा संगम बनता है, महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी। तो ध्यान रखना बेटा, जो शिवरी नारायण का मेला है ये कब लगता है? तो याद रखिएगा ये माघ पूर्णिमा के समय लगता है, ना कि आषाढ़ महीने में, आषाढ़ बारिश का टाइम है, बारिश के महीने में पानी रहेगा ठीक है, तो मेले के लिए हमारे पास जमीन ही नहीं, तो कहां से अपन करेंगे भाई, तो नहीं करेंगे, गलत है। लेकिन चौथा भी पढ़ देते हैं, राजीव मेला कब ऑर्गेनाइज होता है? तो क्या बताओगे? माघ पूर्णिमा। इसलिए प्रश्न क्या है, क्या मैच नहीं कर रहा है? तो ध्यान रखना इसमें ऑप्शन नंबर सी मैच नहीं कर रहा है, याद रहेगा। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका उत्तर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी मिलेगा ठीक है। ठीक है तो बेटा जिन भी बच्चों को समस्या है प्लीज कमेंट करके बताइए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, अगर यूजफुल लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ठीक है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, 8 की ओर बढ़ते हैं ठीक है। देखिएगा यहाँ पे दो लिस्ट दिया गया है, एक तरफ मेले का नाम है और एक तरफ समय दिया गया है, दो ही चीज पूछेगा, मेला और दूसरा हमारे पास क्या है? समय। मैच करने के लिए बोला गया है ठीक है ना, इसको अच्छे से देखो भाई, क्लियर है, याद रखना है इसका। देखो सबसे पहला राजीव मेला, बेटा राजीव मेला कब ऑर्गेनाइज होता है? माघ पूर्णिमा। इसलिए चौथे का उत्तर क्या होगा? ए। देखो चौथे पे ए कहीं पे आ रहा है क्या? ए कहां पे आ रहा है? चौथा, इसलिए उत्तर डी होना चाहिए। लेकिन अभी और बढ़ते हैं, महादेव घाट मेला कब होता है? बेटा अभी मैंने बताया था महादेव घाट मेला कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन, इसलिए एक का उत्तर क्या होगा? बी होगा ठीक है। फिर याद रखना डभरा मेला, डभरा जो मेला है ये होता है रामनवमी के दिन ठीक है, तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो कुटी घाट का मेला कब होगा? बेटा बसंत पंचमी के दिन, ये हो जाएगा डी ठीक है यहां तक। इसलिए अगर देखा जाए यहां पे बैलेंस कौन कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न को ठीक है। यहां तक देख लो, प्रश्न नंबर 8 अगर देखा जाए आपको मैच करना था ठीक है। मैं हमेशा बोल रहा हूं जब भी लिस्ट वाला क्वेश्चन आता है, सही जोड़ी बनाओ वाला प्रश्न आता है, आपको ऑप्शन ऑप्शन पहले देखना है। मैंने पहले बता दिया था राजीव मेला कब होता है? माघ पूर्णिमा। तो भाई चौथे का उत्तर क्या है? ए। इसके बाद कोई चीज बैलेंस करे क्या? नहीं, तो इसका उत्तर डी था, पहले से हमने डिसाइड कर लिया था। लेकिन आपको बेटा सब चीज पढ़ना है अच्छे से, हो सकता है प्रश्न ही गलत हो ठीक है ना, इस कई कभी कभी विवेक से भी काम करना है ठीक है यहां तक। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगला अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास कहां पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अपन क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं ठीक है ना। देखो ध्यान से खुद पढ़िए और बताइए, छत्तीसगढ़ का मड़ई निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? मड़ई इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक क्रिया से जुड़ा हुआ है, जीवन साथी चयन से जुड़ा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर डी है सब कुछ से जुड़ा हुआ है, उपरोक्त सभी, बताइए वो उत्तर क्या होगा? देखो मड़ई जानते हैं, मड़ई अपने आप में मेला ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में या हर अगर एरिया में देखा जाए साल में एक बार मड़ई का आयोजन होता है। मड़ई होगा तो बेटा बाजार लगेगा,
बाजार लगेगा तो लोगों को आय की प्राप्ति होगी, इनकम का सोर्स है, ऑब्वियसली बात है अर्थव्यवस्था से संबंधित तो है। मड़ई है तो वहां पे मनोरंजन के लिए गीत होगा, नृत्य होगा, लोक नृत्य होगा, जनजाति नृत्य होगा, विभिन्न प्रकार के क्रीड़ाएं वहां पे होती है। तो किससे संबंधित होगा ये? कल्चर से, याद रहे एक प्रकार से ये जनरीति के जैसे है, लोकाचार के जैसे है। बड़े के माध्यम से हम अपने कल्चर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है यहां तक? तो ध्यान में ये किससे संबंधित है? सांस्कृतिक क्रियाओं से संबंधित है। कभी कभी किसी ग्रामीण क्षेत्र पे मड़ई के समय भी जीवन साथी चयन में मदद मिल जाती। भाई पूरे अगर देखा जाए मड़ई एक वृहद स्तर पर होगा ग्रामीण क्षेत्र पे, जहां भी हो। ठीक है, तो याद रखना मेहमान भी आएंगे, गेस्ट भी आएंगे आपके घर पे, वो जो वही जो मेहमान है मड़ई देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे। ठीक है यहां तक? तो ध्यान देना एक प्रकार से जीवन साथी चयन में भी क्या कर सकती है, मदद कर सकती है इसका आयोजन। ठीक है, इसलिए अगर देखा जाए जो प्रश्न नंबर 9 है कि मड़ई इससे जुड़ा हुआ है, तो बेटा इसके लिए एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। बराबर, तो देख लो मड़ई इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है, कल्चर एक्टिविटी से भी जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ लाइफ पार्टनर चूज करने से भी जुड़ा हुआ है। इतना क्लियर है, याद रखिएगा, समझ में आया यहां तक? यह था क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। प्रश्न पूछा है बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मड़ई उत्सव कितने दिन तक चलता है? बस्तर का दशहरा यहां पे नहीं पूछ रहा है आपसे, याद रखना बस्तर क्षेत्र में जो फागुन मड़ई होता है, दंतेश्वरी फागुन मड़ई, इसका आयोजन कितने दिनों तक होता है? क्लियर है, जल्दी बताइए भाई इसका आयोजन कितने दिनों तक होता है? आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। बस्तर मेला नहीं है यहां पे, बस्तर के क्षेत्र के अंदर जो दंतेश्वरी फागुन मड़ई है इसका आयोजन कितने दिन तक होता है, प्लीज कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी भाई, बताओ तो। 9 होगा, 4 होगा, 5 होगा कि 10 होगा? ठीक है ना, बता दूं इसका एग्जैक्ट उत्तर है 9, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखो हमारे पास दंतेश्वरी जो फागुन मड़ई है इसका आयोजन कितने दिन तक होता है? 9 दिन तक होता है। कितने दिन तक होगा बेटा, याद रखना 9 दिन तक होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कहां पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 11। अभी मैंने बोला फागुन मड़ई, तो फागुन मड़ई के लिए मैंने बोला कितने दिन तक ऑर्गेनाइज होता है? 9 दिन तक, ये तो हो गया। अब प्रश्न ये है कि जो फागुन मड़ई मेला है इसका आयोजन, मतलब किस क्षेत्र का जो फागुन मड़ई मेला है बस्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? इसलिए प्रश्न बना कि भाई फागुन मड़ई मेला का आयोजन किस क्षेत्र में होता है। एग्जैक्ट अगर देखा जाए ध्यान रहे बेटा, इसके लिए प्रसिद्ध है हमारा कुंडा गांव, छत्तीसगढ़ की शिल्प नगरी है कुंडा गांव, याद रहेगा शिल्प गांव कहलाता है कुंडा गांव, समझ में आया यहां तक? गढ़वा शिल्प के लिए प्रसिद्ध बताया था बस्तर, और जो हमारे पास कुंडा गांव है। तो फागुन मड़ई मेला बेटा कब कहां होता है, क्या बताओगे? इसका उत्तर होगा बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास? बी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने बताया किसके बारे में? मेला के बारे में। तो देखो मेला के बारे में क्या क्या पढ़ना था मैंने आपको बता दिया। मेला के बारे में आपको सबसे पहले स्थान, मेला ऑर्गेनाइज कहां पे होता है, मेला कब ऑर्गेनाइज होता है ये भी बताया, जो हमारे पास मेला है ठीक है ना उसमें कुछ विशेष परंपरा है क्या, इसके बारे में देख लो। क्लियर है यहां तक, याद रखना समझ में आया? तो ये 3 पॉइंट आपको बताना था, स्थान, समय और परंपरा के बारे में मेला। क्लियर है यहां तक? कितना ठीक है। कभी कभी एक प्रश्न आ भी जाता है कि उस मेले का आयोजन किसने किया था, कभी कभी आता है ठीक है ना, याद रखना। आगे कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मेला किस महीने होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, माघ महीने में, जो छत्तीसगढ़ में माघ का महीना है यहां पर सर्वाधिक रूप से मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? ये 11 प्रश्न हो गए। अब मेले के बाद अगला अपन पढ़ेंगे मेला, मेला हो गया, मेला के बाद अगला हमारे पास टॉपिक रहेगा महोत्सव, महाउत्सव, आया समझ में? महोत्सव गुण स्वर संधि है बेटा यहां पे, कौन संधि है? गुण स्वर संधि, ठीक है ना। तो देख लो मेला हो गया, मेले में क्या पढ़ना था बता दिया, क्या देखना था उसका जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो भी हमने कर लिया था। ठीक है, अब देखते हैं महोत्सव, नाम से स्पष्ट है बेटा ये एक दिन तो नहीं होगा, कम से कम 2 दिन जरूर होता है, ये अपने आप में उत्सव के जैसे होता है। क्लियर है, और ध्यान देना
याद रहे, अगर देखा जाए कम से कम इसका आयोजन 2 दिन तक तो होता है, मैंने बताया था। एक एग्जाम्पल से अगर इसको ना एग्जाम्पल के तहत देखते हैं, जैसे अपने नाम सुना होगा चक्रधर महोत्सव, चक्रधर महोत्सव, ये जो टॉपिक है ना उसको अपन क्या करते हैं एग्जाम्पल के सहारे आगे पढ़ते हैं, चक्रधर महोत्सव, ठीक है यहां तक। अब देखना जो हमारे पास चक्रधर महोत्सव है, पहला प्रश्न इसका आयोजन कब होता है। अभी मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं ना, प्रश्न कैसे पूछेगा वो बता रहा हूं, चक्रधर महोत्सव का आयोजन कब होता है, तो क्या बताओगे, बताओ तो कमेंट करके। सावन के महीने में होता है कि भादो के महीने में होता है कि गणेश चतुर्थी के समय होता है, ठीक है यहां तक। तो ध्यान देना इसका जो आयोजन है भादो महीने में होता है बेटा, याद रखना गणेश चतुर्थी के समय ही होता है, ठीक है। फिर पूछेगा चक्रधर महोत्सव का आयोजन किस स्थान पे होता है, तो रायगढ़ में होता है, रायगढ़ में, क्लियर है यहां तक। चक्रधर महोत्सव प्रारंभ किसने किया था और कब किया था, किसने किया था, तो राजा गोपाल देव, किसने किया था जल्दी बताओ भाई, कमेंट करके बताओ चक्रधर महोत्सव का को प्रारंभ किसने किया था, ठीक है ना, और कब से स्टार्ट हुआ था ये बता दो। आगे चक्रधर महोत्सव से जुड़ा हुआ विशेष पॉइंट बता दो कि सपोज जब से स्टार्ट हुआ था तो वर्ष 2023 में जो चक्रधर महोत्सव हुआ वो कितने क्रम का था, 2023 में जो चक्रधर महोत्सव हुआ वो कितने क्रम का था वो आपको बताना है, क्लियर। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, बराबर। आगे याद रखना चक्रधर महोत्सव क्या छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण पे होता है, राजकीय संरक्षण पे होता है क्या, ये सब आपको पता करना है, ठीक है। तो ज्यादातर जितने भी महोत्सव है वो छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में ही होता है, तो कुछ पॉइंट है जो बेटा उसके सहारे आपको महोत्सव को कवर करना है, ठीक है। यहाँ तक इतना क्लियर हुआ, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, एक बार रीड करो और इसका प्रश्न खुद इस प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास खुद करना है, जल्दी बताओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, इसका उत्तर क्या होना चाहिए जल्दी बताइए भाई, ठीक है। प्रश्न पहले रीड करते हैं, निम्न में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, इसका मतलब है ये जो महोत्सव है वो छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में ऑर्गेनाइज होता है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चक्रधर समारोह आयोजित होता है, समझ में क्या बोला मैंने, तो ध्यान में ये जो हमारे पास चक्रधर महोत्सव है किस स्थान पे आयोजित होता है वो पूछ रहा है आपसे। अभी मैंने बताया था डोंगरगढ़ में होता है क्या, नहीं। सारंगगढ़ में होता है क्या, नहीं। खैरागढ़ में होता है क्या, नहीं। तो कहां होता है, रायगढ़ में, कहां पे होता है, रायगढ़ में। कौन सा महोत्सव, तो क्या बताओगे बेटा, चक्रधर महोत्सव, समझ में आया यहां तक, देख लो चक्रधर महोत्सव का जो आयोजन है भादो महीने में शुक्ल पक्ष के चौथे दिन से शुरू होता है, अर्थात गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू होता है, याद रहेगा। पहली बार ये 1984-85 के दौरान शुरू किया था, क्लियर है यहां तक, याद रखना इसको, कौन सा चक्रधर महोत्सव। और जो चक्रधर महोत्सव है याद रखना ये रायगढ़ रियासत के एक राजा थे, राजा चक्रधर, इनको समर्पित है क्योंकि वो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रख्यात कथक कलाकार थे और तबला वादक थे, क्लियर है यहां तक। उनको अगर देखा जाए लॉर्ड लिन लिथिगो ने 1939 में संगीत सम्राट की उपाधि दी थी, किनको, चक्रधर, राजा चक्रधर को, जो बोल रहा हूं बेटा याद रखना, संगीत सम्राट की, ठीक है यहां तक इसको याद रखना। उसके अलावा याद रखना इन्होंने एक बुक लिखा हुआ था ताल तोय निधि, ठीक है, तालबल पुरस्कार, ये सब पुस्तक है ये, इस पे संगीत जो कला है इससे जुड़े हुए विषय को इन्होंने क्या किया था, अपने पुस्तक में लिखा था, किसने, राजा चक्रधर सिंह ने, क्लियर है यहां तक, इनको याद रखना, समझ में, राजा चक्रधर सिंह, ठीक है यहां तक इसको याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अगला पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, प्रश्न है रीड करो, छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी लोक महोत्सव, ये नाम याद रखना, आदिवासी लोक महोत्सव, इनमें से किस स्थान पर और कब मनाया जाता है, किस स्थान पर मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, ये आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान देना बेटा, ये जो आदिवासी लोक महोत्सव है ना, याद रखना ये अपने आप में सोना खान महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, सोना खान महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, याद रहेगा। अब देखो सोना खान का मतलब, सोना खान छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में है और सोना खान से संबंधित छत्तीसगढ़ में एक सबसे प्रसिद्ध पर्सनालिटी हुए हैं, व्यक्तित्व हुए हैं, उनका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह, उनका नाम क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह हुए हैं, ठीक है, इतना क्लियर है।
याद रखना ये 1857 के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए सबसे पहले शहीद कहलाते हैं। और ध्यान देना इनको फांसी हुई थी, कब हुई थी ध्यान देना, 10 दिसंबर 1857 को इनको रायपुर के जज स्तंभ चौक में फांसी दे करके बाद में तोप से उड़ा दिया गया, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है इनके बारे में। तो इनको फांसी हुआ था 10 दिसंबर को, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम लोग क्या करेंगे, 10 दिसंबर को सोना खान बलौदाबाजार क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे, एक महोत्सव मनाएंगे और उस महोत्सव का नाम क्या होगा, आदिवासी लोक महोत्सव। अब मैंने बोला कि आदिवासी लोक महोत्सव, इसका यह मतलब है कि शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे, ध्यान देना जो हमारे पास शहीद वीर नारायण सिंह हैं वो बिंझवार जनजाति से ताल्लुकात रखते थे, किस जनजाति से, बिंझवार, बिंझवार जो है वो बैगा की उपजाति है, ये भी आपको याद रखना है, समझ में आया यहाँ तक। तो ध्यान देना छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी लोक महोत्सव का ये कब आयोजित होता है और कहाँ होता है, तो उत्तर क्या लोगे, सोना खान पे होता है। कब होता है, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को ही क्यों होता है ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका उत्तर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिवर्ष, देखो किस दिन प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, याद रहेगा, तो बौद्ध सम्मेलन का आयोजन उस क्षेत्र पे होगा जो छत्तीसगढ़ राज्य का बौद्ध स्थल होगा, या फिर जहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित हमारे पास क्या होंगे, कुछ एविडेंस मिले होंगे या कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र होगा, बराबर यहां तक। तो देखो यहां पर अगर देखा जाए 5 फरवरी 6 फरवरी 7 फरवरी 8 फरवरी, तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन ना याद रखना राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में होता है, कहां पर होता है, डोंगरगढ़ क्षेत्र पे होता है, आया समझ में, ये जो डोंगरगढ़ क्षेत्र है याद रखना बेटा, ये अगर देखा जाए डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम है कामावतीपुरी, समझ में आया, डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, कामावतीपुरी। और ध्यान रहे यहां पर ये जो डोंगरगढ़ दिख रहा है ना, यहां पर आपको एक पहाड़ी मिलेगी, उस पहाड़ी का नाम है प्रज्ञागिरी पहाड़ी, इसी को अपन कहते हैं प्रयागगिरी पहाड़ी, ठीक है। अब ध्यान रहे बेटा जो हमारे पास प्रयागगिरी पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है, इस पहाड़ी पर क्या है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, कितना फीट, तो ध्यान रहे बेटा 30 फीट प्रतिमा है, ठीक है, क्लियर है, किस पहाड़ी पर, प्रज्ञागिरी पहाड़ी पे या फिर प्रयागगिरी पहाड़ी पे, डोंगरगढ़ गए होंगे तो देखा होगा आपने। तो ध्यान रहे ये जो हमारे पास क्षेत्र, यहां पर हर साल ना 6 फरवरी को क्या होता है, ध्यान दे बेटा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है 6 फरवरी को, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है, देख लो अच्छे से। तो याद रखना बेटा अगर कोई भी डाउट होगा इसको प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, 15 में, उस काकतीय राजा का नाम बताइए जिन्होंने बस्तर दशहरा त्योहार की शुरुआत की थी। बेटा इतिहास हो गया है, आप लोग कमेंट करके बताओ, जो विश्व प्रसिद्ध जो बस्तर दशहरा है जो 75 दिनों तक चलता है, ठीक है, इसका आयोजन सबसे पहली बार किसने किया था या फिर किस प्रकार किसने इसको स्टार्ट किया है, उससे पहले स्टोरी याद रखिएगा, रथ यात्रा सुना होगा, ठीक है, एक राजा हुए हैं काकतीय वंश में, उस राजा को अपन कहते हैं रथपति की उपाधि, और रथपति की उपाधि इनको किसने दिया था, पुरी के राजा ने, क्योंकि उन्होंने पुरुषोत्तम देव उस राजा का नाम है, उन्होंने क्या किया था, जगन्नाथपुरी की यात्रा पेट के बल छलकते हुए किया था, तो पुरी के राजा ने क्या किया था, उनसे एक प्रकार से इंस्पायर होकर इनको 16 पहियों का रथ दिया था, और जिस दिन उनका आगमन बस्तर क्षेत्र में हुआ था उस दिन से अपन क्या मानते हैं, बस्तर दशहरा मनाया जाता है, बराबर यहां तक। तो ध्यान देना किसने स्टार्ट किया था, तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम देव ने, किसने स्टार्ट किया था, पुरुषोत्तम देव, और किस वंश के राजा है, तो ध्यान देना ये काकतीय वंश के राजा है, पुरुषोत्तम देव से जुड़ा हुआ जानकारी ये भी है, इन्होंने काकतीय वंश का कैपिटल मंदोता से चक्रकोट में क्या किया था, ट्रांसफर किया था, ये आपको याद रखना है, क्लियर हुआ। तो ये था प्रश्न नंबर 15 जिसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, पुरुषोत्तम देव, ठीक है। बस्तर का दशहरा याद रखना बेटा कितने दिन तक होता है, 75 दिन, लेकिन उसमें 13 महत्वपूर्ण रस्म होते हैं, वो जरूर याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, ठीक है पढ़ो पहले, बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा से की जाती है, बताओ भाई। देखो बस्तर की जनजातियों में सबसे आराध्य देवी तो दंतेश्वरी माता है, लेकिन बात यहां पे हो रही है बस्तर दशहरा की, भाई जो बस्तर दशहरा है
इसका प्रारंभ किस देवी की आराधना से होता है, ठीक है? यहाँ तक दंतेश्वरी माता है, महामाया देवी है, काछिन देवी है या फिर माणिक्य देवी है, बराबर? यहाँ तक बताइए भाई, क्लियर है? तो याद रखना, काछिन गादी अपन एक रस्म मनाते हैं, उसमें काछिन देवी की आराधना करते हैं। जब काछिन देवी की आराधना होती है तो यह माना जाता है कि बस्तर दशहरा प्रारंभ हो गया है वास्तविक रूप से। क्लियर है यहाँ तक? तो ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर 16 है कि बेटा जो बस्तर दशहरा है, ठीक है, वो किस देवी की आराधना से प्रारंभ होता है? तो याद रखिएगा, काछिन देवी की आराधना से प्रारंभ होता है, ये आपको याद रखना था। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 में बस्तर दशहरा में मावली माई की विदाई, ठीक है, मावली माता का विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहते हैं? इसका यह मतलब है, जब मावली माता का विदाई होता है उस कार्यक्रम को, उस रस्म को किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताइए भाई, आप लोग जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है? जल्दी बताइए भाई, मावली माता का जब हम विदाई करते हैं उस रस्म का नाम क्या, उस कार्यक्रम का नाम क्या है, ठीक है? यहां तक तो ध्यान दे बेटा, मावली माता का रिसाई अपन एक तालाब है, गंग मुंडा तालाब, वहां पर, तो ध्यान देना, इसलिए इसका उत्तर आपको मिलेगा सी। क्या मिलेगा? सी मिलेगा कि बस्तर दशहरा में जो मावली माता की जो विदाई है उस कार्यक्रम को अपन किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, गंग मुड़ा यात्रा रस्म, ठीक है? यहां तक इसको प्लीज याद रखिएगा, क्लियर है? यह था क्वेश्चन नंबर 17। ये बस्तर दशहरा का अपने आप में क्या एक महत्वपूर्ण रस्म है बेटा, ठीक है? यहां तक आगे कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है, पढ़िए, कौन सी परंपरा या रस्म बस्तर दशहरा से, मैंने बोला था महत्वपूर्ण 13 रस्म को तो याद रखना है उसमें। देखो, काछिन गादी का, काछिन देवी की आराधना करते हैं, जोगी बिठाई, ठीक है यहां तक, ये भी है, मावली परघा, मावली देवी की आराधना करते हैं, पंचकोशी यात्रा, बेटा ये जो पंचकोशी यात्रा है ना, ये प्रसिद्ध है राज्य में, राजिम को छत्तीसगढ़ राज्य में पंचकोशी यात्रा क्षेत्र कहते हैं, क्लियर है? वहां पे मान्यता है कि वहां पे महानदी सोंडूर पैरी के संगम पर जो कुलेश्वर महादेव का मंदिर है, ये केंद्र पे है। इसके अलावा आपको 5 और मंदिर का दर्शन करना पड़ता है। इसे ही एक अवधारणा है कि अपन क्या बोलते हैं, राजिम को पंचकोशी यात्रा क्षेत्र कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है? इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा जो परंपरा है, जो रस्म है, बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है, इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको? पंचकोशी, ठीक है? ये था प्रश्न नंबर 18। 18 के बाद अगला अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। रायगढ़ घराना से आप क्या समझते हैं, ठीक है? रायगढ़ घराना से आप क्या समझते हैं? देखो बेटा, जो हमारे पास जो शास्त्रीय जो कला है, ठीक है, शास्त्रीय जो हमारे पास संगीत है, शास्त्रीय जो नृत्य है, जो गीत है, जो भी है, बराबर, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं अपन, घराना, घराना, बराबर यहां तक। तो ध्यान देना, ये घराना मतलब यहां पे कुछ सुप्रसिद्ध कलाकार होते हैं, जिसे मैंने बताया था राजा चक्रधर सिंह, याद रखना। रायगढ़ के महत्वपूर्ण राजा कौन हुए हैं? राजा चक्रधर सिंह, याद रखना। ये कथक के सुप्रसिद्ध कलाकार भी थे, राजा भी थे, और याद रखना प्रमुख कथक कलाकार तबला वादक भी थे, याद रहेगा, और कथक कलाकार भी थे, ठीक है ना? इसलिए उनके समय में जो रायगढ़ घराना है वो कथक डांस के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? कथक डांस के लिए, ठीक है यहां तक। और इनके साथी अगर देखा जाए, कार्तिक राम, कल्याणदास, ये भी इनके क्या थे? साथी कलाकार भी थे। लेकिन याद रखना, राजा चक्रधर सिंह ने जो रायगढ़ घराना है इसको क्या किया था? कथक के लिए सुप्रसिद्ध बनाया था, बराबर याद है। इसलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 है, रायगढ़ घराना तो किस से आप क्या समझते, ध्यान रखो, किससे जुड़ा हुआ है? कथक विधा से जुड़ा हुआ है, बराबर, शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत एक भाग है, क्लियर है यहां तक, इसको ध्यान देना। इसके बाद ये इस पूरे सेशन का सबसे आखिरी प्रश्न होगा, बेठिया प्रथा का प्रचलन कहां है? इसका उत्तर आप लोग देंगे भाई, जल्दी बताइए, जो बेठिया प्रथा है उसका प्रचलन कहां पर है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए भाई, क्लियर है यहां तक? तो ध्यान देना बेटा, जो बेठिया प्रथा है, सुन लो अच्छे से, ये जो हमारे पास बेठिया प्रथा है ना, इसका प्रचलन अगर देखा जाए, बेठिया प्रथा का जो हमारे पास प्रचलन है वो बस्तर में है, ठीक है, बस्तर। इसके अंतर्गत क्या होता है, ध्यान देना, गांव के जो लोग हैं,
ऐसे व्यक्ति के घर में जाते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, मतलब बहुत कमजोर परिवार के घर में गांव के लोग जाते हैं, ठीक है। और उस व्यक्ति के घर में जाकर के वह बड़ा काम करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट रहता है सब लोग जाके जाकर उस व्यक्ति के घर का काम कर देते हैं। काम करने के एवज में वो एक भी पैसा नहीं लेते, मेहनताना नहीं लेते हैं, बराबर। इसी प्रथा को अपन कहते हैं बेठिया प्रथा। इसका प्रचलन कहां पर है? बस्तर। इसके अंतर्गत गांव के सभी लोग जरूरतमंद व्यक्ति के घर में जाकर के उनके घर का पूरा काम करते हैं बिना किसी पैसे के, बराबर। इस प्रथा को क्या कहा जाता है? बेठिया प्रथा। इसका प्रचलन कहां पर है? बस्तर क्षेत्र में। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, बस्तर मिलेगा, बराबर। यहां तक तो देखिएगा, आज का जो हमारे पास सेशन था, जो हमारा एमसीक्यू था, वो किस पे बेस्ड था उसको अपन देख लेते हैं। ध्यान देना, मैंने बताया भी था, ये था आज का जो हमारे पास एमसीक्यू है वो छत्तीसगढ़ के मेला और महोत्सव पे क्या था? बेस्ड था, ठीक है। ध्यान देना, मैंने छत्तीसगढ़ में जो कला और संस्कृति में, याद रखना, लगभग सभी टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है, क्लियर है। ध्यान देना बेटा, ये जो 10 वीडियो है उसमें छत्तीसगढ़ की जनजाति कला संस्कृति में जितने भी महत्वपूर्ण, जितने भी टॉप के एमसीक्यू है वो मैंने कराए हैं। इन सभी में अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर चाहें आप ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जरूरतमंद लोगों तक इस लेक्चर का लाभ मिल सके, ठीक है। यहां तक जाना। इसके बाद अपना जो सीरीज रहेगा वो छत्तीसगढ़ का प्रशासन और पंचायती राज को समर्पित रहेगा, ठीक है ना। तो आने वाला जो सप्ताह होगा वो प्रशासन और पंचायती राज से संबंधित होगा, क्लियर है। तो ठीक है, आज विदा लेते हैं, ठीक है। फिर नए दिन से नए टॉपिक के साथ पूरी ऊर्जा के साथ अपन मिलते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।